तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारो टेक्निकल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी अपने फोन को रिसेट किया है और आपके फोन का सारा डाटा उड़ गया है, और दोस्तों फोन को रिसेट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, या तो आपका फोन हैंग चल रहा होगा तो आपने अपने फोन को रिसेट किया होगा, या आपके घर के किसी छोटे बच्चे ने आपके फोन को गलती से रिसेट कर दिया होगा जिससे आपका फोन का सारा डाटा उड़ गया होगा और आपके फोन में कुछ भी नहीं बचा होगा। और दोस्तों, उस डाटा में आपकी पर्सनल फोटो वीडियो भी डिलीट हो गई होंगी जिस कारण आप बहुत परेशान हो रहे होंगे। और दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी तो मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन दोस्तों अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन के रिसेट होने के बाद अपने फोन का सारा डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने फोन के सारे डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन के सारे डिलीट डाटा को रिकवर करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फोन की होम स्क्रीन पर। और फोन की होम स्क्रीन पर आया दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फोन से डिलीट हुआ सारा डाटा कैसे रिकवर करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन में एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो ऐप। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने फोन में अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है फाइल रिकवरी। दोस्तों, आप जैसे ही फाइल रिकवरी सर्च करेंगे आपको ऊपर ही ऊपर शुरू में एक एप्लीकेशन दिखाई देगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका आइकन कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों, आपको सिंपली इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसे अपने फोन में पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, जब आप अपने फोन में इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, लेकिन दोस्तों मैंने अपने फोन में इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो आएगा, आपको सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों आपके सामने जिस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। उसका दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने इस ऐप में कौन कौन सी सेटिंगों को ऑन करना है। तो दोस्तों, आपको सिंपली ऊपर साइड कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पहला ऑप्शन मिलता है फाइल प्रोटेक्शन, आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। तो दोस्तों, इससे होगा कुछ यूं कि आपके फोन का जितना भी डाटा होगा वो किसी दूसरी जगह शेयर नहीं होगा, यहाँ पर ही सब डाटा सेव रहेगा। उसका दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस ऐप से अपने फोटो और वीडियो रिकवरी करने में कोई दिक्कत आती है या आपके फोटो और वीडियो नहीं आते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर फीडबैक कर सकते हैं, ये आपको एक दो दिन में ही रिस्पॉन्स दे देते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फोटो स्कैन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके फोन में जितने ही फोटो थे वो यहाँ पर सब स्कैन हो रहे हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसका दोस्तों, हम सिंपली बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको सिंपली वीडियो स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके फोन में जितनी वीडियो होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये स्कैन हो रही है। उसका दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैन, ऑडियो स्कैन। तो दोस्तों, आप सिंपली यहाँ से अपने फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट और ऑडियो को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी फोटो वीडियो अपनी गैलरी में कैसे डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, मैं सिंपली वीडियो को ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अभी मेरी वीडियो स्कैन हो रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपनी किसी एक वीडियो को अपनी गैलरी में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं सिंपली इस वीडियो को अपनी गैलरी में डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस हो जाएगा, आपको सिंपली रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपकी फाइल रिकवर हो रही होगी, रिकवरिंग प्लीज वेट। तो दोस्तों, ये हमारी फाइल रिकवर हो चुकी है। अब हम सिंपली बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो आपके कहाँ पर रिकवर हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसाइकल बीन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने वहां से जिस वीडियो को रिकवर किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको सिंपली इस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट टू फोटो एल्बम, आपको सिंपली इसे एक्सपोर्ट टू फोटो एल्बम को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो हमारी गैलरी और हमारे फाइल मैनेजर में चली गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियो हमारी गैलरी में गई है या नहीं। ओके दोस्तों, तो मैं सिंपली बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों, मैं आपको अपनी गैलरी में दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जिस वीडियो को वहाँ पर रिकवर किया था वो हमारी गैलरी में भी आ चुकी है। और दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपके फाइल मैनेजर में कहाँ पर जाएगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको सिंपली अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा डाउनलोड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं आसानी से हमारी ये वीडियो रिकवर हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद दोस्तों, आप अपनी जितनी भी फोटो वीडियो को रिकवर करेंगे आप सिंपली इन सब फोटो वीडियो को अपनी एक ही फोल्डर में करके रख लेना, जिससे आपका
आपका सारा डाटा एक ही फोल्डर में आ जाएगा। दोस्तों आप कुछ इस प्रकार अपने फोन का सारा डिलीट हुआ डाटा आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, जिस चीज को भी रिकवर करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अपना डाटा रिकवर करने में कोई दिक्कत आती है आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोनों जगह रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।